Sir, good morning. I'm from Time Zone. बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना का। सब थोड़ा सा पीछे आ जाओ ना पुलिस। और सबसे मोबाइल नीचे करो, मोबाइल नीचे यार भाई। कोलैप्स हो गई, आर्मी के जवान 30 जवान उसमें 12 सिटीजन और हालांकि जो रिलीफ का जो ऑपरेशन था रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू कर दर भी नहीं था और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा जोर के साथ करो ना लुक यार बंद कर काम कर ही रहा। सवाल पूछो लेकिन हमें लगा कि तुरंत जो एनडीआरएफ को जो भी यहाँ पर भेजना है चमन उधर वहाँ से और जैसे मैं लैंड किया तो लैंड करने के बाद अपना जो चॉपर है सरकारी चॉपर तुरंत हमने वहाँ से भेज करके सुन्नी जा करके और सुन्नी से कुछ इक्विपमेंट जो जरूरी था रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उसको यहाँ पर पहुँचाने के लिए। सर कैन यू एक्सप्लेन देखिए सबसे बड़ी बात एक तो इस वक्त सर कैन यू बी हियर वी आर कैमरामैन हियर प्लीज और मैं इस बात को कह सकता हूँ कैन यू बी हियर सर जो भी इसमें कमियां रही होंगी खामियां रही होंगी जांच का जो निष्कर्ष आने के बाद जो है रिपोर्ट आने के बाद सर 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 मुख्यतः कारण क्या माना जा रहा है। लेकिन मुझे एक अभी तक तो यही जानकारी मिली है कि जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है एज पर जो है स्पेसिफिकेशन जो है वो नहीं था ये जानकारी मोटे तौर पर सुनने को मिली है। लेकिन मैंने कहा कि जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ कहें। लेकिन सर हिमाचल में इस तरह की तमाम सारी बिल्डिंग्स हैं जहां बायलॉज का पालन नहीं किया जा रहा है मौत को दावत दे रही है और अनफॉर्चुनेटली जेसीओ ने अपनी जान गंवाई कुछ जगह ऐसा है इसमें कार्रवाई सर क्यों नहीं। जायजा ले रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हादसे की क्या वजह रही। हालांकि